नमस्कार आदाब, मैं निकेत सिंह रान आप सभी का स्वागत करता हूँ आरवाई न्यूज में। ये नजर डालते हैं मुख्य समाचार। सर्वो नटराज एग्रो इंडिया, सर्वो नटराज एग्रो इंडिया कंपनी में थोड़ा पल्ली का ऑयल मिक्स हो रहा है, ब्लेंडेड कर रहा है। ये पुराना पूल में शामिल है ये फैक्ट्री कंपनी सर्वो नटराज एग्रो इंडिया रूप से। ये पल्ली वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल, राइस ब्रान ऑयल वो ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो तेलंगाना स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट्स को और बाजू स्टेट्स को भी वो एक्सपोर्ट करता है हंड्रेड्स ऑफ टन्स। कई दिनों से ये कंपनी के ऊपर बहुत बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं। वो पल्ली का फोटो दिखा के अंदर राइस ब्रान, पल्ली का फोटो है। नॉर्मल यूजर्स को क्या मालूम होता है, ये पल्ली के समझ के वो खरीदता, लेकिन इसमें आरबी छोटा मोटा, वो इंग्लिश में अंग्रेजी किसी को नहीं आएगा, आरबी मतलब वो भी मालूम नहीं यार, राइस ब्रान ऑयल। और इसमें वो फ्रिज में डालेगा तो ये ग्राउंड नट ऑयल ये पूरा ऐसा हो गया, ये पाम ऑयल ही ना ऐसा होता है। वो नॉर्मल ऑयल, ये नॉर्मल ऑयल नहीं चमता, वो आइस नहीं बन, सॉलिड नहीं बनता। सो इसीलिए एक आदमी तबीयत खराब होके ये केस डाल दिया। ये चीटिंग केस करने के बाद ये पूरा फूड मटेरियल एब्नॉक्सियस बनाने के लिए, चीटिंग करने के लिए 272 केसेस में वो FIR रजिस्टर हो गया ऑलरेडी। ये ओनर का ऊपर श्याम सुंदर लोया, ये कई सालों से ये बड़ा कंपनी चालू कर रहा है पुराना पुल में बहादुरपुरा एरिया में। और हर एक फॉरेन कंट्री से वो इंपोर्ट कर रहा है पामोलिन ज़्यादा कर रहा है, लेकिन ग्राउंड नट इतना इंपोर्ट नहीं है, लेकिन भेजना बहुत ज़्यादा भेज रहा है, वो टैली नहीं हो रहा है। इसीलिए वो ये पूरा अकाउंट्स देके ये पूरा सीज करके ये हम ये सैंपल्स सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी भेज रहा हूँ सैंपल्स। ये सैंपल्स में निकल जाएगा कितने मिक्स हो गया, कितने सबस्टैंडर्ड है, कितना टॉक्सिक है, कितना एडल्ट्रेटेड है। ये होने के बाद हम सख्ती से एक्शन ले लेंगे। मीनवाइल जो अभी तक एविडेंस मिला वो पल्ली का फोटो देखकर पीछे ऐसा कर दिया। ये पूरा इसका मामला में पूरा ओनर को, मैनेजर्स को, जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है सबको गिरफ्तार करके नॉन बेलबल सेक्शन डिमांड भेज देंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, मैं निकेत सिंह राणा, RAIDED न्यूज, सबसे आगे सबसे तेज।